नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान और खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सुबह जोधपुर पहुंचे। शेखावत सीधे रेलवे स्टेशन से अपने निवास पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जन सुनवाई की। जन सुनवाई करने के बाद 11 बजे वो फलौदी के लिए रवाना हो गए। वहां पर अपने दो दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत वो अनेकों कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शेखावत इस दरमियान फलौदी में जांबा स्थित गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शन करेंगे। उनके बाद शाम को लोहाउट और उसके बाद सीधे फलौदी में लटियाल माता के भी दर्शन करेंगे। इनके साथ साथ वहां पर जन सुनवाई भी करेंगे। जल शक्ति अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। देश के 256 जिलों में जिस तरह से देश के बड़े अधिकारी, देश के भारत सरकार में काम करने वाले हाइड्रोलॉजी इंजीनियर 256 जिलों में गए हैं और एक बार पहले दौर का प्रवास सब अधिकारियों का, ऐसा लगभग सब अधिकारियों का हुआ है। और जिस तरह से सभी अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक जा करके वहाँ स्थानीय स्तर पर जो जिले उनको दिए गए थे वहाँ जा करके चर्चा करके लोगों से बातचीत करके और जिस तरह से इस विषय को नीचे ले जाने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि अंत तक जब तक ये अभियान 15 सितंबर तक पहले दौर का समाप्त होगा तब तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी देश की सरकार के पास में पहुँची है। और इसके अतिरिक्त जो है बहुत वृहद स्तर पर जन जागरण इस विषय को लेकर के करने में भी इसके माध्यम से कामना देता है। भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं जोधपुर के सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सुबह जोधपुर पहुंचे। शेखावत दो दिन से प्रवास में जोधपुर आए हैं, जो फलौदी और लोहावट के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी फलौदी देहात की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने गए हैं। और शेखावत के जोधपुर निवास के दौरान भी उन्होंने आज यहाँ पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान उनके परिवेदनाएं जिनकी भी थी, उनके आत्मा निस्तारण के लिए भी संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। निवास स्थान पर भी बड़ी संख्या मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। टैक्स यूनियन की ओर से उनका स्वागत किया गया और दोपहर बाद में वो फलौदी पहुंचे और फलौदी केंद्रीय मंत्री ने वहां पर अलग कार्यक्रम में भाग लिया। साथ में उनके नारायण पंचारे जी, रेवंत सिंह राजपुरोहित सहित अनेक कई भारतीय नेता शामिल थे। शेखावत रात्रि प्रवास फलौदी में ही करेंगे और फलौदी अगले दिन सुबह लोहावट क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद अपराह्न बाद जोधपुर पहुंचेंगे और रात को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।